मध्य प्रदेश भाजपा अध्यक्ष विष्णुदत्त शर्मा स्वच्छता अभियान में शामिल हुए और उन्होंने भोपाल में मंत्रालय के सामने झाड़ू लगाई। शर्मा ने कहा, गांधी जी के सपने को पूरा करने का काम प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी कर रहे हैं। प्रदेश भाजपा अध्यक्ष वीडी शर्मा मंत्रालय के सामने झाड़ू लगाते नजर आए। उन्होंने स्वच्छता अभियान के तहत इलाके में साफ सफाई की। बीजेपी प्रदेश अध्यक्ष विष्णुदत्त शर्मा ने कहा, मुझे इस बात के लिए गर्व है कि गांधी जी के सपने को जमीन पर उतारने का काम, स्वच्छता का काम हर प्रकार से प्रधानमंत्री मोदी जी ने किया है। प्रधानमंत्री के संकल्प को देश की 140 करोड़ जनता ने, भारतीय जनता पार्टी के एक एक कार्यकर्ता ने अपने जीवन का मिशन बनाकर अपने व्यवहार में उतारने का काम किया है। अब आम जनता जनार्दन इसे अपने व्यवहार में लाने का काम कर रही है। गांव से लेकर शहरों तक, छोटी बस्तियों तक हमारी माताओं बहनों को जो परेशानियां होती थी, स्वच्छता अभियान के तहत प्रधानमंत्री मोदी जी ने पूरे भारत में 13 करोड़ लोगों को शौचालय उपलब्ध कराकर माताओं और बहनों को सम्मान के साथ स्वच्छता अभियान को ताकत दी है। आज मुझे कहने में इस बात के लिए गर्व है कि गांधी जी के सपने को जमीन पर उतारने का काम स्वच्छता के क्षेत्र में और हर प्रकार से माननीय प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी जी ने जो किया है और प्रधानमंत्री मोदी जी के संकल्प को देश की 140 करोड़ जनता ने, भारतीय जनता पार्टी के एक एक कार्यकर्ता ने अपने जीवन का मिशन बनाकर, अपने व्यवहार में स्वच्छता के अभियान को लाकर इस भारत को, अपने भारत को स्वच्छ बनाने का काम माननीय प्रधानमंत्री जी के नेतृत्व में हो रहा है। इसके कारण से एक नहीं, कई पैरामीटर्स में हेल्थ इंडेक्स के अंदर भी आज ये रिपोर्ट्स कहती हैं कि स्वच्छता के अभियान के कारण माननीय प्रधानमंत्री मोदी जी के प्रयासों से भारत के अंदर जो कई प्रकार की ऐसी चीजें जो स्वच्छता नहीं होने के कारण से बीमारियां फैलती थी, आज उन सारी बीमारियां इनसे बचने का काम भी स्वच्छता अभियान के माध्यम से हुआ है। कल हम सब लोग, पूरी भारतीय जनता पार्टी के कार्यकर्ता, मैंने सबसे अपील भी की है और आपके माध्यम से भी अपील करता हूँ कि सभी लोग कल खादी के भंडारों पर जाकर स्वदेशी निर्मित खादी के वस्त्र किसी न किसी रूप में, अगर आप एक रूमाल भी खरीदेंगे खादी से बना हुआ और अपने किसी सामान्य से सामान्य व्यक्ति को देंगे, तो एक वोकल फॉर लोकल को ताकत देने का काम माननीय प्रधानमंत्री के आह्वान को कल 2 अक्टूबर को भी गांधी जयंती पर पूरी भारतीय जनता पार्टी करेगी। आप देख रहे हैं दखल न्यूज।